नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी हैं, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। दोस्तों, आज है पूर्णिमा, पूनम, पौष महीना की। ये पूनम दोस्तों बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि ये महीना ही दान पुण्य के लिए बेहतर माना जाता है। भगवान नारायण की पूजा पाठ करने के लिए बहुत बेहतर माना जाता है। इस महीने की गई पूजा पाठ, दान धर्म आपको आम दिनों में जो पूजाएं की जाती है उससे कई गुना ज्यादा फल देकर के जाता है। दोस्तों, आज के दिन जब भी आप सेवा पूजा करें, एक छोटा सा काम जरूर कर लें। जो जानकारी मैं आपको देने के लिए जा रही हूँ अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी तमाम वीडियो आसानी से आप तक पहुंचती रहे। जितना ज्यादा हो सके दोस्तों वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, पूनम है मतलब भगवान नारायण का दिन है, माता लक्ष्मी का दिन है, है ना। आज के दिन कोशिश करें आप लोग व्रत रखने की। जो शारीरिक रूप से कमजोर नहीं है आसानी से व्रत रख सकते हैं। पूनम का व्रत करने से दोस्तों जन्मों की गरीबी दूर होती है। पूनम का जो लोग व्रत बड़े मन से करते हैं, कभी वे लोग दरिद्रता को नहीं भोगते हैं, मतलब कभी उनकी लाइफ में गरीबी नहीं आती है। आज के दिन दोस्तों चांद अपनी पूरी कलाओं को लेकर, 16 कलाओं को लेकर के खिलता है। आज का चांद भी बहुत पावरफुल है। आज के दिन चांद की रोशनी में आप जल, एक कांच की बोतल ले लें, उसमें जल भरें और चांद की रोशनी में आप जल रख दें और कोशिश करें उस जल के अंदर, यदि आपके पास कोई चांदी का सिक्का हो तो उसे डाल दें। सुबह सूर्योदय के पहले, मतलब सूर्य की किरणें उस पर ना लगे, उस पानी को आप उठा लाएं, ला करके आप उसे अपने घर में सुरक्षित रखते हैं। और उस पानी को जैसे आप दवाई लेते हैं ऐसे थोड़ा थोड़ा सा रोज लेना शुरू करें। आपका वशीकरण का बल बढ़ेगा, आपका जो आपकी मानसिक स्थिति है, बहुत मनोबल आपका मजबूत होगा, मानसिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, अंदर से आपको खुशी महसूस होगी। मन से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं, वैसे ज्यादातर समस्याएं मन से जुड़ी हुई होती है, क्योंकि जैसा आपका मन होता है वैसे ही आप निर्णय ले रहे होते अपनी लाइफ में, तो मन से जुड़ी हुई तमाम चीजें शांत हो जाएंगी। और ये जो जल है ये आपके घर में लक्ष्मी को लेकर के आता है, तो आज के दिन आप पूर्णिमा की रोशनी में जल जरूर रखें और उस जल का स्वीकार करें, मतलब एवरीडे आप उसका सेवन करें। लाइफ में बहुत जबरदस्त इसका रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। आज के दिन पीले या व्हाइट रंग के आप कपड़े पहनते हैं तो इससे भी घर की लक्ष्मी बढ़ती है, लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होते हैं। आज के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा पंडित को बुलवाएं और सत्यनारायण की कथा करवाएं। जो नहीं बुलवा सकते वे खुद भी भगवान के आगे 5 तरह के फल रखें, सीरा बना करके रखें, पंचामृत बना करके रखें और खुद ही कथा का वाचन करें, भगवान के आगे आरती उतारें। यदि आप हर पूनम नियम से कथा वाचन करते हैं तो भी घर की गरीबी दूर होती है। तो पूनम के दिन दोस्तों छोटे छोटे से जो भी उपाय भगवान नारायण से जुड़े हुए हैं उन्हें आप अवश्य ही करें। आज के दिन हल्दी वाला जल पीपल के पेड़ पर अवश्य ही चढ़ाएं, जिससे लक्ष्मी नारायण आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। आज जब आप भगवान नारायण की सेवा पूजा करते हैं, एक छोटा सा काम जरूर करें। इस काम को करने से दोस्तों सदैव आपकी कितनी ही इच्छाएं ऐसी जो अधूरी है वो बहुत जल्दी पूरी होती है। आज जब आप लक्ष्मी नारायण का दीपक जलाएं, भगवान नारायण का दीपक जलाएं, आप एक छोटा सा काम करें, घी का दीपक जब आप उन्हें अर्पित करते हैं तो एक दीवेट, आड़ी दीवेट डालें दीपक में और उस दीवेट के साथ आप एक अक्खी गांठ हल्दी की लगा दें। हल्दी की गांठ दीपक के साथ लगाने से भगवान लक्ष्मी नारायण आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। घी आपके घर का धन ऐश्वर्य बढ़ाता है, हल्दी लक्ष्मी नारायण की कृपा आपके ऊपर बरसाती है। भगवान श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी की भी आपके ऊपर जबरदस्त रूप से कृपा बरसती है। तो आज के दिन
जब भी आप पूजा करने बैठते हैं तब जो बाती है, दिए की बाती, उसी के साथ जोड़ करके एक गांठ वाली हल्दी, हल्दी की गांठ जरूर लगा दें। हल्दी की गांठ दोस्तों बहुत ही शुभ होती है, जितनी वो जल सकती है उतनी आप उसको जल जाने दें। उसके बाद में जो गांठ बच जाती है हल्दी की, उसको आप पीले कपड़े में बांध करके या उसके ऊपर एक छोटा सा पीला धागा बांध दें और उसको आप धन स्थान में रख दें। कभी भी दोस्तों धन की कमी नहीं होगी। करके देखें इस उपाय को, करते रहें और खुश रहें। जय श्री कृष्णा।